हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एफटी थॉट्स। मेरा नाम है रवि कुमार और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी एक क्विज़ वेबसाइट बना के गाइस अच्छी खासी अर्निंग जो है वो अपने ब्लॉग या वेबसाइट से कर सकते हैं। और ये जो क्विज़ वेबसाइट है वो मैं आपको फ्री में बनाने सिखाऊंगा, आपको एक भी रुपये इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसमें अर्निंग कर लेंगे। वहीं साथ साथ गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसके लिए आप एडसेंस अप्रूवल पा सकते हैं और क्या इस वेबसाइट्स के लिए हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं। ये सारी जो जानकारियाँ गाइस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और सारे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से क्विज़ वेबसाइट बना के अच्छी खासी जो अर्निंग है अपने ब्लॉग से कर सकते हैं। और वहीं साथ साथ गाइज आपको सारे वो टिप्स दूंगा जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल भी आसानी से मिल जाएगा। तो गाइज ये सारी जानकारियां गाइज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो आशा करूंगा गाइज कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है गाइज तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज, अगर लाइक कर देते हैं तो मेरे को इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बता रहा हूं। तो चलिए गाइज विदाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप क्विज़ वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगर में। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक जो हमारी जन्माष्टमी वाली वेबसाइट थी वहाँ पर मैंने एक क्विज़ का एक पोस्ट लिखा था, यहाँ पर क्विज़ के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे और यहाँ पर क्विज़ की एक पूरी वेबसाइट बनाई है। तो अगर आपको भी ऐसी वेबसाइट बनानी है गाइस तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आप सीख जाएंगे कि कैसे क्विज़ वेबसाइट बनाई जाती है। क्योंकि गाइस क्विज़ वेबसाइट में जो होता है बहुत कम कॉम्पिटिशन होता है और आपको अच्छी खासी CPC और सर्च वॉल्यूम मिलता है। तो देख सकते हैं क्विज़ वेबसाइट है, यहाँ पर मैं सारे आंसर्स तो हैं जिन्हें क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। आंसर देने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना होता है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना होता है। और गाइस यहाँ पर सिर्फ आपको एक कोडिंग कॉपी करके पेस्ट करनी होगी तो आपका जो क्विज़ वेबसाइट है वो बन जाएगी, वो मैं आपको देने वाला हूँ। अब सबमिट मैंने कर दिया। अब अगर आपको स्कोर देखना है तो आपको सिंपली व्यू स्कोर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस आपका स्कोर दिखा देगा, जो करेक्ट आंसर था रॉन्ग आंसर था वो दिखा देगा, तो सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो गाइस ये इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट बना के आप बिल्कुल अलग सा माइक्रो नीच की वेबसाइट इससे बना सकते हैं और अच्छी खासी जो अर्निंग है इसमें कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप वेबसाइट बनाएंगे क्विज़ की। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है गाइस वो ये होता है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है कि कौन से कीवर्ड पर हम इसमें अपनी क्विज़ वेबसाइट बनाएं। इसमें बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है अपनी वेबसाइट बनाने से पहले। तो गाइस मैं आपको तीन कीवर्ड्स बताने वाला हूं जिन पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो जो सबसे पहला कीवर्ड है वो है ऑनलाइन कंप्यूटर क्विज। अब इसके साथ साथ जो दूसरा कीवर्ड है जिसके बारे में आपको बता दूं वो है ऑनलाइन GK क्विज। और तीसरा जो गाइस कीवर्ड है जिस पे आप बहुत सारी क्विज की वेबसाइट बना सकते हो उसका नाम है ऑनलाइन क्विजेस। अब गाइज ये तीन वेबसाइट्स हैं, इनके मैं आपको सर्च वॉल्यूम CPC कंपटीशन सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। जैसा कि देख सकते हैं यहां पर 720 का मंथली सर्च वॉल्यूम है, CPC 0.25 और कंपटीशन 0.03। तो इस पर आप डेफिनेटली ब्लॉग बना सकते हैं जो कि रैंक करेगा अगर आप उस पर थोड़ी मेहनत करते हैं। अब जो दूसरा कीवर्ड है गाइज ऑनलाइन GK की, जिस पर देख सकते हैं 3500 का वॉल्यूम, CPC 0.03 और कंपटीशन भी 0.03। और गाइज जो लास्ट है कीवर्ड इसमें तो गाइज बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, देख सकते हैं 100,000 के करीब सर्च वॉल्यूम है, CPC भी 0.40 है और कंपटीशन 0.01। तो गाइस इन तीनों टॉपिक्स पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, इनमें आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पोस्ट लिख सकते हैं और अच्छा खासा जो ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं। तो गाइस जो हमारा पहला स्टेप था वो हमने पूरा कर लिया, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया। अब आपको SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है। SEO फ्रेंडली मीन्स कि आपको अपने वेबसाइट का जो स्पीड है उसे ज़्यादा रखनी है। उसके लिए गाइस आपको एक थीम चुननी पड़ेगी। तो अगर आपको थीम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको थीम मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको सिंपली मैं ब्लॉग बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइटल, एड्रेस, थीम चुननी होती है और सिंपली अपना ब्लॉग बनाना होता है। अब गाइस ये सारे स्टेप्स करने के बाद देख सकते हैं मैंने पहले ही अपना जो ब्लॉग है उसे बना रखा। अगर मैं आपको न्यू टैब में इसे ओपन करूं तो देख सकते हैं इसका थीम कुछ ऐसा है, तो ये तो अच्छा नहीं है, तो इसे हम चेंज करेंगे। और ये मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं है तो इसे हमें डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें थीम के सेक्शन में जाना है, यहाँ पर एडिट HTML के बटन पर क्लिक करना है। गाइस जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिट HTML के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने कोडिंग आ जाएगी। तो अब गाइस अगर आपको थीम चाहिए तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा थीम है जो क्विज़ वेबसाइट के लिए बना, इसका नाम है SEO मैग। इसका जो XML फाइल है इसे हम ओपन कर लेंगे, अगर आप उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है अपने ब्राउज़र में, जो कोडिंग है उसे काटना है और जो कॉपी आपने किया उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना और सेव के थीम पे जैसे सेव के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगा बहुत आसानी से, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। अब गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो होता है मोबाइल ट्रैफिक, बेस्ट ट्रैफिक, जिसका मतलब है कि गाइस 90% जो ट्रैफिक हमारा आता है वो मोबाइल से आता है। तो आप ऐसी थीम चुनिए जो कि आपके मोबाइल में भी अच्छे से कंफर्टेबल हो। तो ये जो थीम है गाइज वो ऑटोमेटिकली मोबाइल में डिटेक्ट हो जाती है और अच्छा खासा जो ट्रैफिक आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, क्योंकि इसका जो मोबाइल का जो थीम है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली है और इसमें बिल्कुल भी लोड टाइम नहीं लगता। तो इस थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूँगा तो ये हमारा जो थीम था वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। पहले ये देख सकते हैं ऐसा दिख रहा था और अब ये ऐसा
पूरा इसका जो लुक है वो चेंज हो चुका है। अब इसके सामने हम गाइज अब इसका जो भी एड स्पेस है यहाँ पर देख सकते हैं, दो एड स्पेस आपको मिल जाते हैं, वहीं साथ साथ गाइज आपको बहुत सारी और चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए चेंज करने के लिए आपको सिंपली लेआउट के सेक्शन में जाना है। जैसे गाइज आप लेआउट के सेक्शन में जाएंगे तो फेविकोन जो था वो मैंने पहले ही चेंज करके रखा हुआ है, इसके सिंपली आपको एडिट करना होता है। जो भी फेविकोन आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब फेविकोन लगाने के बाद अगर आप इसका लोगो गाइज चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोगो पे बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी इमेज आपके पास है उसे अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है, अब मैं इसे सिंपली अपलोड कर दूंगा। अपलोड होने में 1 से 2 सेकंड लगेगा और जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपको सिंपली इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो आपका जो लोगो और फेविकोन है वो सिंपली इंसर्ट हो चुका है। अब मैं आपको रिफ्रेश करके अगर दिखाऊँ तो गाइज जैसे ही हमारा ब्लॉग रिफ्रेश हुआ देख सकते हैं हमारे पास जो फेविकोन था लोगो था वो दोनों चेंज हो चुके हैं। तो हमारा पहला स्टेप भी गाइज पूरा हो गया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेन मेन्यू चेंज करना है। मेन मेन्यू चेंज करना गाइज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर डिलीट कर देना होता है सबको, और जो भी आपको मेन मेन्यू बनाना होता है न्यू साइट नेम में यहाँ पर आप मेन मेन्यू अपना नाम दे सकते हैं। तो मैं आपको दे के दिखा देता हूँ कंप्यूटर क्विज़। अब कंप्यूटर क्विज़ जैसे ही मैं नाम दे दूंगा गाइज इसके बाद हमें लिंक मांगेगा, तो लिंक कैसे लगाते वो भी मैंने आपको बताया, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, वो देख के आप ईजिली अपना जो मेन मेन्यू उसे बना लेंगे। जैसा कि मैं एक और भी आपको बना के दिखा देता हूँ जीके क्विज़। अब इसमें भी आपको हैज़ लगा देना और लिंक कैसे मिलेगा वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊँगा तो गाइस इससे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, आपको छोटे से छोटे टाइम में कम से कम समय में आपको सारी जो नॉलेज है वो मिल जाए। अब आपको सिंपली क्या करना है, आप इसे अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो मेन मेन्यू गाइस वो भी 100% रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो हमारा जो मेन मेन्यू था वो भी रेडी हो गया। तो ऐसे आप अपना मेन मेन्यू चेंज कर सकते हैं, फेविकोन चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको चाहिए कि आप अपना ये सोशल प्लगइन है इसमें अगर आपको लिंक देना है तो आपको अपने लेआउट सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सोशल विजिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब इनमें इस एडिट के बटन पर क्लिक करके जिसमें आप लिंक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आपका जो बटन है वो 100% काम करने लगेगा। तो ये इतनी आसानी से गाइस आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। थोड़ा सा अगर आप वक्त दें इसे सीखने में तो आप बहुत आसानी से कोई भी वेबसाइट 10 से 15 मिनट के अंतर में बना सकते हैं। अगर आप इसके साथ और कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, ऊपर के जो सोशल टॉप है उन्हें अगर आप चेंज करना चाहते हैं जैसा देख सकते हैं, अब इसमें भी आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे गाइस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बटन के पे तो आपके सामने यहाँ पर फिर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर भी आप लिंक दे सकते हैं और आसानी से इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब गाइज देख सकते हैं सारे कस्टमाइजेशन को करने के बाद गाइज आपके सामने बहुत सारे और ऑप्शन मिलते हैं, इन्हें आप 1 by 1 कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें पेजेस लगा सकते हैं, कैटेगरीज लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं गाइज बहुत आसानी से। आपको सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप अच्छी खासी एक वेबसाइट बना लेंगे, वो भी विदाउट किसी को पे किए हुए। आपको किसी को पे नहीं करना, आप मेरी वीडियोज़ देखते जाइए तो आप सिंपली सारी जो चीज़ें वो गाइज सीख जाएंगे। अब जो हमारा 5वां स्टेप है गाइज जिसको आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि जिसका नाम है राइट पोस्ट, और उसके साथ आपको SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखना होता है गाइस। क्योंकि गाइस आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना ले अगर आपके पोस्ट रैंक नहीं करेंगे तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखना है। तो अब इसके लिए आप सिंपली आपको न्यू पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं उन्हें करना होता है ताकि आपका जो पोस्ट है वो अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सब मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही मैंने जो हमारा जो पोस्ट है उसे लिख रखा है, तो मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद गाइज आपको हमको करना क्या है, मैं दोबारा ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर आके गाइज इसे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं इसे फॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट के साइजेस चेंज करके यहाँ पर जैसे ही मैं इसे गाइज पेस्ट करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पर हमारा जो पोस्ट है वो आ गया। अब इसे जो हमारे जो मेन कीवर्ड है गाइज उसे हमें बोल्ड करना है, तो मैं इसे बोल्ड करके फिर आगे के स्टेप्स आपको बताता हूँ। चाहते हैं कि आपका पोस्ट रैंक हो तो आपको एक अच्छा सा टाइटल देना होता है, तो आपको टाइटल में वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपकी आपका मेन कीवर्ड है जिसे आप फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर क्विज़। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज हमने जो टाइटल था वो लिख दिया अच्छे से, जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें इसमें टारगेट कर लिया। अब इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि क्विज़ कैसे इंसर्ट होगा। अब अगर आप चाहें तो उससे पहले एक इमेज अगर अपलोड करना चाहें जो कि आपकी वेबसाइट का जो पोस्ट होगा उसका जो लोगो होगा वो बन जाएगी, या जो थंबनेल होगा वो बन जाएगी, तो इस यहाँ
पर हमने एक इमेज भी अपलोड कर दी, इसका जो साइज़ है वो बड़ा है तो इसे हम स्मॉल कर देंगे, स्पेसेस दे देंगे इसके बीच। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि इसमें गाइज हमें क्विज़ कैसे इंसर्ट करेंगे, तो क्विज़ इंसर्ट करने के लिए गाइज आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक स्पेस चुन लेना है कि कहाँ पर आपको क्विज़ इंसर्ट करना है। तो हमने एक स्पेस चुन लिया। अब आपको करना है कि आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर गूगल के आने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है गूगल फॉर्म्स। तो जैसे ही गाइज आप गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे सिंपली आपको सर्च कर देना है गूगल पे, जो पहला लिंक आएगा गाइज इस पे आपको विजिट कर लेना। देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स का, यहाँ पर आप बहुत सारे फॉर्म्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, बिजनेस या पर्सनल। तो आपको पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर गाइज टेम्पलेट गैलरी के बटन पर क्लिक करना है और आपको एजुकेशन वाले सेक्शन में आना है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गाइज एजुकेशन वाले सेक्शन में आएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक क्विज, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देने होते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं, तो कैसे वो पूरा करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज मैंने पहले से ही क्विज़ के कुछ आंसर्स लिख रखे हैं, इन्हें मैं सिंपली कॉपी करूँगा। देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सबसे पहले आप क्विज़ का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गाइज कंप्यूटर क्विज़। अब देख सकते हैं गाइज मैंने कंप्यूटर क्विज़ यहाँ पर लिख दिया, कंप्यूटर क्विज़ 2019। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखूंगा। अब क्वेश्चन से आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देना होता है, तो मैंने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको जितने आप ऑप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं, तो चलिए गाइज मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो ऑप्शन है इन्हें मैं सिंपली एक एक करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो गाइज चलिए जल्दी से मैं सारे ऑप्शंस थे जो उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिर आगे की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ जाएं। आंसर चुनना, तो उसके लिए आप सिंपली आंसर की बटन पर क्लिक कर देंगे और जो भी आपका एक राइट आंसर हो उस पर आपको क्लिक कर देना, तो आपका ये आंसर है वो बन जाएगा। वहीं साथ साथ गाइज अगर आप चाहते हैं कि इसका पॉइंट्स देना चाहते कितने पॉइंट्स का ये क्वेश्चन होगा, तो उसके आगे आप पॉइंट्स लिख देंगे तो पॉइंट्स हो जाएगा। अब एक नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन दे देना है, तो मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शंस आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं एक बार सारे स्टेप्स को दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दोबारा दे दिए। अब आंसर आपको राइट चुनना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली आंसर की के बटन पे क्लिक करना है और जो भी एक राइट आंसर उस पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो एक क्विज है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं जितने पॉइंट का आप चाहते हैं कि क्विज बने। अब सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसमें जितने क्वेश्चन चाहें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेंड के बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर कोडिंग जो HTML की आएगी इसे सिंपली आपको कॉपी कर लेना। आप कॉपी करने के बाद आपका क्विज़ तैयार हो गया। आपने जो जगह चुनी थी जहाँ पर आपको क्विज़ करना है उसको याद कर लेना आपको। अब आपको करना है कि आपको HTML के सेक्शन में आना है और यहाँ पर कंट्रोल F प्लेस करना है और यहाँ पर जो भी आपने जगह याद की थी उसके कीवर्ड्स को लिखना है। जैसा कि देख सकते हैं हमने फॉलो और वेबसाइट के नीचे क्विज़ लगाना है, तो यहाँ पर जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे जो कोडिंग। अब यहाँ पर जो गाइज हमारा क्विज़ है वो तैयार हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने गाइस क्विज़ वेबसाइट बना ली और क्विज़ जो था उसे भी एंटर कर दिया। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कैसे अब इसके आगे के स्टेप्स को करना है। हमने क्विज़ एंटर कर दिया, अब हमें गाइस नेक्स्ट स्टेप में पोस्ट सेटिंग में आना है। पोस्ट सेटिंग में अगर आप लेबल्स लगाना चाहें जो कि मेन मेन्यू में काम आएंगे, तो यहाँ पर हम लेबल लगा देते हैं कंप्यूटर क्विज़। अब कंप्यूटर क्विज़ हमने एक लेबल बना दिया। परमालिंक में आपको वही टारगेट करना होता है जो कि आपका मेन कीवर्ड है और जिस पर आप रैंक करवाना चाहते हैं जिस कीवर्ड पर, तो हमने कंप्यूटर क्विज़ पर किया था तो कंप्यूटर क्विज़ कर देंगे। अब गाइस जो हमारी सारी सेटिंग्स थी वो पूरी हो गई। अब आपको करना है कि आपको सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये क्विज़ की वेबसाइट है वो पूरी तरीके से बन जाएगी। एक पोस्ट आपने लिख दिया, अब अगर आप इसे व्यू के बटन पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पर जो आपका क्विज़ वेबसाइट है गाइस वो बन चुकी है। बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर क्विज़ भी आ रहा है। मैं आपको आंसर्स करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी आंसर चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट करना है। सबमिट के बाद आपको स्कोर देखना, तो व्यू स्कोर के बटन पर क्लिक करेगा यूज़र। अब उसके बाद उसका स्कोर दिखा देगा, जो गलत आंसर होगा वो दिखा देगा, राइट आंसर होगा वो दिखा देगा। तो आपको गाइज ऐसे ही आप अपनी क्विज़ वेबसाइट बना के अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।